जो हम लोगों ने गाना करा है, गिप्पी बाजी ने गाया है हमारे लिए, वो गाना आगे सुनाते हैं। तुरले वाली पग सजा के यार जलंधरी टोल बजा के, तुरले वाली पग सजा के यार जलंधरी टोल बजा के, स्टेज पे आके साउंड लगा के चक के फ्रंट फुट नू, ओ जदो मैं नचा तू तके तू तके तू, ओ जदो मैं नचा तू तके तू तके तू, ओ जदो मैं नचा वाई वॉचिंग यू, ओ जदो मैं नचा तू तके तू तके तू। निकुड़िए हाय अमनमीत, हाय अमनमीत, हाय अमनजन, वी आर मीत ब्रोस अंजन। कितना डिफिकल्ट होता है जब तीनों मिलकर एक ही गाना गाते हैं साथ में, बहुत अच्छा लगता है। बहुत डिफिकल्ट होता है अगर तीनों मिलके नहीं गाते अकेले अकेले भाई, हम तीन अलग अलग पर्सनालिटीज है लेकिन है एक ही। वो गाना तो आपने सुना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वही हम लोग के बीच में है सर। हम लोग एक्चुअली शुरू से शोज करते थे ना, हम लोग स्टार्टिंग से साथ में शोज करते थे, फिर हमने एक शुरुआत में एक ग्वालियर में एक रेडियो स्टेशन था, वहाँ पे हमने FM में प्रोग्रामिंग शुरू करी, और वहाँ पे वो स्टेशन इतना हिट हो गया और वहाँ के हमारे जिंगल्स और प्रोग्राम्स इतने हिट हो गए कि हमारे आरजीज और सब ने बोला ग्वालियर वालों ने कि आप इतना बॉलीवुड जैसे आप गाने बनाते हैं, आप बॉलीवुड क्यों नहीं जाते। बस फिर हम लोग फिर बॉम्बे आके फिर हमने सबसे मिलना शुरू किया और फिर जर्नी शुरू हो गई। जैसे राम मिलाए जोड़ी होता है वैसे राम मिलाए तिकड़ी, सर जब भी कोई सच्चाई दिखाई जाएगी वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी तो होगी, क्योंकि जो बात सच्ची होती है वो कड़वी भी होती है और वो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती। ओ माय गॉड, जब हमने उसमें गाना किया था मेरे निशा है कहाँ, और हमें मालूम था कि बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमको धर्म के नाम पे जो हमारे पूरे देश को मिसलीड किया जाता है उसके अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छा स्टेप दिखाया था। बहुत पुराना प्ले था धर्म संकट भी, एक वैसी अप्रोच है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये है कि ये जब कोई एक रियलिटी आपके सामने आती है तो कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग जब अपने काम करते हैं, फिल्म में गाने बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, हम लोग कॉन्ट्रोवर्सीज की परवाह नहीं करते क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि सही है। सर हमारे जो गानों का स्टाइल जो पहले आया ओ माय गॉड में बड़ा एक मेलेडी थी मेरे निशा, अभी बिल्कुल इस गाने के अंदर बिल्कुल एनर्जी और धमाका है। तो हम लोगों ने अपना स्टाइल, म्यूजिक का जो स्टाइल बना के रखा है मीत ब्रोस अंजन का, वो वर्सटाइल है। जैसे कहते हैं एक आदमी का एक रैप स्टाइल होता है, किसी का कुछ प्योर मेलेडी होता है। हम लोगों का आने वाले समय में अगले 3 महीने में कुछ हमारे काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं जिसमें आपको हर गाना एक दूसरे से अलग लगेगा। हमने ये हमारी एक फिल्म आई थी शराफत की तेल, उसमें हमने गाना किया था सेल्फियाँ, उसमें 2-3 चीज़ें थी जो सेंसर को ठीक नहीं लगी तो वो हमको चेंज करनी पड़ी, लेकिन बाकी जगह जहाँ डिजिटली गाना रिलीज़ किया है वो ऐसा ही गया है। तो होता है क्योंकि हमको गाने वो बनाने पड़ते हैं, जैसे आज धर्म संकट के लिए हमने गाना बनाया है, ओ माय गॉड के लिए मेरे निशा बनाया है, कल हमारी एक दूसरी फिल्म आ रही है मस्ती ज़्यादे, तो उसमें हमको अब क्योंकि एडल्ट फिल्म है तो हमको उसके हिसाब से गाने बनाने, सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाने पड़ते हैं। तो जब प्रोड्यूसर्स इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें वो ऑनर करना पड़ता है क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और तो स्क्रिप्ट की डिमांड है। हमारी फिल्म आई थी किक, उसमें हमें सलमान भाई को गवाया था, तो वो गाना हम चाहते हैं कि धर्म संकट जो 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है आप सब जाके देखें उसका हैंगओवर, और उसके ऊपर उसका और उस फिल्म का जो हैंगओवर रहेगा जो हमने सलमान भाई के लिए गाना किया था जो हमारे दिल के बहुत करीब, वो जाते जाते हम आपको गा के सुनाएंगे। दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते, मैंने देखा तुझे बुला के हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के पर दिल से कभी ना उतरे, हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर धर्म संकट का, हैंगओवर धर्म संकट का, हैंगओवर धर्म संकट का। आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये हम बताएं कि आप बताइए, ये जैसे कि आप देखते हैं इस फिल्म हमारे नील आनंद बाबा हैं जो एक नया धर्म शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नील धर्म। तो हम नील धर्म के बारे में बात कर रहे हैं और हम नील धर्म या नील आनंद बाबा के भक्तिनीज हैं मैं और हेज, और नील धर्म है और जी और नील धर्म इनका आइडिया है तो उसके बारे में आपको इनको पूछना पड़ेगा। बट हमारी फिल्म में नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है स्वामी नीलानंद।
तो वो काफ़ी क्वर्की इंटरेस्टिंग किस्म के बाबा हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, और ये दोनों लोग बहुत खूबसूरत लोग, उनकी सबसे फेमस भक्तिनीज हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी, इसका एक प्रमोशनल गाना आ चुका है जो है नील आनंद बाबा। तो हमारी यही उम्मीद थी कि ये सबका नया एंथम बनेगा। बहुत कम रिलीजन्स हैं जिनका एक फंकी सॉन्ग एंथम होता है, तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा फंकी और ट्रेंडी एंथम है। तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि सब लोग इस नील धर्म को जल्दी से फॉलो करें। मुझे बस यही लगा कि लोग सूफी को इस नए अवतार में ज़रूर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ग्लैमरस अवतार सबने देख लिया है। ये भी कुछ कम ग्लैमरस नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ शायद 2 सालों से पता है, क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं सज्जाद, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो इस किस्म की फ़िल्म बना रहे हैं। और फिर काफ़ी वक्त तक हमारी बात नहीं हुई। फिर जब मैं झलक दिखला जा कर रही थी, एक दिन उनका फ़ोन आया कि मुझे कोरियोग्राफर चाहिए। मैंने कहा किस लिए? नसीर साहब से कुछ कराना है। मैंने कहा नसीर साहब से क्या कराना है आपको? तो फिर मैंने अरविंद को सजेस्ट किया, जिन्होंने मेरे साथ हंगामा हो गया किया, और बस बात वहीं तक ख़त्म हो गई। और फिर अचानक एक दिन उनका फ़ोन आया कि आपको मेरी फ़िल्म के लिए कुछ करना है, और कुछ एक दो अलग सी चीज़ें हैं वो भी करनी हैं, तो विल यू डू इट? एंड आई कांट से नो, बिकॉज आई हैव टू से कि इट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल टीम। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर परेश साहब, नसीर साहब और अन्नू कपूर जी ने इस फिल्म को किया है, दैट टू विद अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द काइंड ऑफ फिल्म दिस इज। तो इट्स जस्ट एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद इट। और लोगों को डू यू नो बेबी पसंद आ रहा है, नील आनंद की भक्तिनी पसंद आ रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। So yeah, the film has been seen by the censor board, and very soon we should be having a censor certificate, and the film should be out on its release date. On 10th of April. Thank you. Thank you.